हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस करंट अफेयर्स न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज द हिंदू पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज को देखने जा रहे हैं। टुडे इज 11th सितंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने जिसको आपको ट्राई करना है। आपको बताया गया है कि पिछले मंथ के करंट न्यूज पर ही ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर तो इसमें वाइल्ड बफेलो के बारे में आपको बताना है जो कि न्यूज में था, और किस वजह से न्यूज में था ये आप करंट में पढ़ सकते हैं बैकग्राउंड में, या हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें शेड्यूल वन में रखा गया है। तो अगर आपको याद हो क्या ये जो वाइल्ड स्पेसीज है बफेलो की, क्या उसको इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है भारत में। दूसरा स्टेटमेंट है IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। तो आपको इसका जो आंसर है एज इट इज़ वो बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंगली। अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट न्यूज़ जो आपके न्यूज़पेपर में है द हिंदू में, दैट इज़ रिलेटेड टू द SBI एंड द रैपो लिंक्ड। इसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल डिस्कशन में भी कि RBI ने बेंचमार्क्स जारी किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली अब MCLR को हटा करके जो तीन बेंचमार्क हैं उनमें से किसी भी एक बेंचमार्क से जो बैंक हैं उनको लिंक करना होगा अपने लेंडिंग रेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर उसी डिसीजन को फॉलो करते हुए SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट बैंक अभी बन चुकी है, इम्पॉर्टेंट बैंक बन चुकी है, और उसने अपने रेपो रेट को लिंक कर दिया है होम लोन प्रोडक्ट से। ठीक है, होम लोन जो दिए जा रहे हैं वो रेपो रेट के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड किया जाएगा कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बात हो रही है? इंटरेस्ट रेट की बात होती है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज में इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को फास्टर और बेहतर बनाने के लिए SBI ने ये कदम उठाया है। अब जो लोग फ्रेशर है उनके लिए हम आपको रेपो रेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। रेपो रेट एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट या आप कह सकते हैं डिस्काउंट रेट होता है। ठीक है, अब आपको समझना है ये RBI है और ये बैंक है, इन्हीं दोनों के बीच में सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। और बैंक के पास जब पैसा आता है तो वो फिर आगे कंज्यूमर को देती है, यानी कि आपको प्रोवाइड करती है। तो जब बैंक RBI से पैसे लेती है तो बैंक को भी कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उस पैसे पर जो RBI से लिया जाता है, इसको बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, तो बैंक बदले में वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जमा करती है या फिर कोई भी और सिक्योरिटीज जमा करके या इंटरेस्ट रेट के बदले में वो पैसा लेती है RBI से। वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो अगर रिडक्शन हो गया रेपो रेट में, मतलब RBI ने कहा कि आपसे हम कम इंटरेस्ट लेंगे, आप मुझसे पैसा ले सकते हो, तो इसका मतलब है कि RBI पैसे को ज़्यादा देना चाहती है बैंक को, ताकि बैंक आगे पैसा मार्केट में प्रोवाइड कर पाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए रेपो रेट रिडक्शन का मतलब होता है कि लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लिक्विडिटी इज़ कितना मनी है मार्केट में, दैट इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी। और हम जब बढ़ाते हैं तो हम पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। अब जब इंक्रीज़ कर दिया गया रेपो रेट को, RBI ने कहा कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि RBI स्क्वीज़ करना चाहती है पैसे को, या फिर ज़्यादा पैसा मार्केट में नहीं देना चाहती है। दूसरा एस्पेक्ट होता है रिवर्स रेपो रेट का। एक तो हमने देखा रेपो रेट, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के साथ ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि बैंक जब पैसा RBI को प्रोवाइड करेगी तो RBI उस पर इंटरेस्ट रेट बैंक को देती है, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना चाह रही है। तो इनडायरेक्टली मार्केट पर तो सेम इम्पैक्ट पड़ा। अगर रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाया गया तो मार्केट में पैसा तब भी नहीं जाना है, क्योंकि बैंक क्या करेगी, अपना पैसा जो है RBI को प्रोवाइड करेगी, ना कि आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि RBI ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बैंक को, ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और लॉयल भी है, वर्दी इंस्टीट्यूशन है। तो ऑब्वियसली बैंक क्या करेंगे, अपना पैसा RBI को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट होता है रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का। जो लोग फ्रेशर्स हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। दो और कॉन्सेप्ट है CRR और SLR का। ये दोनों, यानी ये चार कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाहर क्वेश्चंस शायद ही जाएंगे, मतलब आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी करंट न्यूज़ आप पढ़ेंगे, एडिटोरियल डिस्कशन आ रहा होगा,
तो इसके इर्द ही घूमता रहता है अगर आप बैंकिंग की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है एशियान से जुड़ा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर से एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें हम जो ग्रुपिंग्स होते हैं इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ जो ग्रुपिंग है बायलेटरल या मल्टीलेटरल, उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान होते हैं उसी के बारे में हम इसको यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं। इंडिया एशियान के बीच में जो फ्री ट्रेड पैक्ट है गुड्स का, उसको रिव्यू किया जा रहा है। एशियान में कितनी कंट्रीज़ हैं? 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जो ट्रेड पैक्ट होता है उसको रिव्यू किया जा रहा है गुड्स पर, ध्यान दीजिएगा गुड्स पर, मतलब सामान के ऊपर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या पैक्ट है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ का, उसको रिव्यू किया जाएगा। तो इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं क्या है ये। इसको आप AIFTA भी बोल सकते हैं, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया। ये एक फ्री ट्रेड एरिया है जो कि 10 मेंबर कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में हुआ है। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट रीजन में आने वाले जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने, 10 कंट्रीज़ ने मिलकर के अपना एक ब्लॉक क्रिएट किया है दैट इज़ कॉल्ड एशियान, ताकि वो इकोनॉमिकली पावरफुल हो पाएँ, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया में रीजन्स हैं वो बहुत छोटे छोटे आई मीन कंट्रीज़ हैं, तो उनको अगर पावरफुल बनना है तो उनको यूनाइट होना पड़ेगा, इसलिए एशियान को बनाया गया। अब एशियान और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ 8 अक्टूबर 2003 को, मतलब साइन किया गया इस एग्रीमेंट पे। उस टाइम पर ये वर्किंग नहीं था, मतलब इफेक्ट में नहीं आया, 2003 में इसको साइन किया गया था बाली इंडोनेशिया में। तो आपसे ये प्रिलिम्स में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं एशियन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में। तो बाली इंडोनेशिया में इसको साइन किया गया था, उसके बाद फाइनल एग्रीमेंट हुआ 2009 में, और ये जो फ्री ट्रेड एरिया है ये इफेक्ट में आ गया 1 जनवरी 2010 से। तो आपको बताना है इफेक्ट में कब आया, 2010 में आया, और साइन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। नाउ इंडिया ने 2018 में होस्ट किया था एशियन इंडिया कम्युनिटिव समिट, ये भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था न्यू दिल्ली में ही। ये 26 जनवरी का जो पूरा मौका था उसमें एशियन मेंबर कंट्रीज़ को बुलाया गया था और यहीं पर कम्युनिटिव समिट को होस्ट किया था इंडिया ने। एंड इन द फाइनेंशियल ईयर, अभी अगर हम ओवरऑल डाटा देखें कितना ट्रेड का डाटा है, तो इम्पोर्ट कितना करते हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो दैट इट इज़ 47.13 बिलियन, ठीक है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो वो है 34.2 बिलियन। मतलब इंडिया में इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एशियन कंट्रीज से और एक्सपोर्ट उसके मुकाबले कम होता है। तो 34.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं एशियन नेशंस में, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है स्मार्ट सिटी मिशन से, ये सब न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, बहुत ही आराम से पढ़ें। सारे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसी को क्रक्स के तौर पर निकाला जाता है। देखिए 100 सिटीज़ में ये प्रोग्राम चलाया गया था, 2020 तक का टारगेट रखा गया है, सिटीज़ को स्मार्ट बनाने का पूरा प्लान है। तो सिटी स्मार्ट कैसे बनेगा? जब वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ के लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन मिल पाएगा लोगों को, सोशल एस्पेक्ट्स बेहतर होंगे, तभी उसको हम स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। अब हेल्थ कैसे अच्छा होगा? जब वहाँ पर सैनिटेशन की सारी व्यवस्था अच्छी होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी और लोगों को परेशानी नहीं आएगी किसी काम को करने में, तो वो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो सोशली अच्छा रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्मार्ट सिटी। अब इसमें कई लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ को डेवलप करने की बात कही गई है। नाउ अभी जो करंट का न्यूज़ है वो ये है कि अब इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, महुआ इसका शॉर्ट फॉर्म है, इनको सारी जिम्मेदारी दी गई है स्मार्ट सिटी मिशन की, और इसमें अब 100 सिटीज़ को एक्सपैंड करके 500 सिटीज़ में पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, और 2022 तक का टाइम लिया गया है जब ऑल अर्बन सेंटर्स जो हैं कंट्रीज़ में उनको और अच्छा बनाया जाएगा। तो इसके लिए भी डाटा कलेक्शन किया जा रहा है कि अभी तक कितना काम कहाँ पर हो गया है। बैकग्राउंड जाने की कोशिश करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह, ठीक है। इसका उद्देश्य था इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आना, लाइफ ऑफ पीपल की क्वालिटी को इनक्रीज करना, ठीक है, जो लोकल डेवलपमेंट वर्क है उसको और अच्छा बनाना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना सिटीजन्स को भी और सिटी को भी। तो स्मार्ट सिटी क्रिएट करने का उद्देश्य था स्मार्ट
सिटीजन्स। तो इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया है। 2015 से 2020 तक का टारगेट रखा गया है। उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को दी गई है, इस पूरे मिशन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का? कि इसमें राज्य और भारत सरकार दोनों ही पैसा प्रोवाइड करेगी, सिर्फ एक ही को पैसा नहीं देना है इसमें। मतलब जब हम बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, तो वो सिर्फ भारत सरकार पैसा खर्च कर रही होती है उसमें, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, और टोटल जो प्रोजेक्ट रखा गया है वो 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कितना काम हो पाता है 2020 तक में, और अभी भी कुछ जो एक्सपेंशन का काम है उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल, इंडिया नेपाल रिलेशन की जब आप बात करें तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं बायलेटरल रिलेशंस में। अब पहला क्वेश्चन तो प्रिलिम्स का ये बनता है कि मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज़ कनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ऐसा आ सकता है या फिर कंट्री पूछा जा सकता है आपसे। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये पाइपलाइन है, आपसे म्यांमार, भूटान, ये सब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा ये अमलेखगंज जो है वो नेपाल में है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया, और काफ़ी बातचीत हुई कल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि KP शर्मा ओली हैं। और इससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्री के बीच का जो रिलेशन है इस वक्त बहुत ही सामान्य है, पॉलिटिकल रिलेशन बहुत अच्छा है आप कह सकते हैं। 69 किलोमीटर तक का पूरा ये पाइपलाइन है, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है एनर्जी का, उसको बढ़ाया जाएगा वहाँ पर नेपाल में, वहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे। और दूसरा, आपके सामने ऑप्शंस रहेगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एक और फैक्ट याद रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को लीड कर किया जा रहा है IOC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस जो हैं वो हैं। इसमें भी आपको फंसाया जा सकता है ऑप्शन चेंज करके। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन, दोनों मिल करके इस पर काम कर रही है, तो इसको इनॉग्रेट किया जा चुका है। ये है इंडिया नेपाल का, आप ये बॉर्डर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कई बार कि कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, तो आप देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर सिक्किम, और ये कुछ हद तक वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। तो कितने राज्य हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 स्टेट हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च कर दिया, किसान मानधन योजना को, वाई टू इम्प्रूव द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ द कंट्री, लाइफ को अच्छा बनाना है जो फार्मर्स हैं उनके। फार्मर्स के लिए बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं, इनकम को डबल करने का स्कीम है, मानधन योजना भी लाया जा रहा है, इसमें लोगों को एक मंथली पेंशन देने की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि किसान जो है वो ज़िंदगी भर काम करते हैं, लेकिन जब वो अपने काम करने की अवस्था में नहीं रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उस बात को समझते हुए गवर्नमेंट उनके लिए प्लान लेकर के आई है, जिसमें कि पेंशन स्कीम उनके लिए रखा गया है। द स्कीम इज़ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी, इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी चीज़ों को नहीं रखा गया है। एज ग्रुप आप 18 से लेकर के 40 ईयर्स तक इसमें आप जुड़ सकते हैं, एंट्री का ये एज रखा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नाउ मंथली पेंशन 3,000 रुपये का रहेगा, और प्रोवाइड टू देम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। नाउ स्पाउस इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट द सेपरेट पेंशन, जो स्पाउस है वो भी सेपरेट पेंशन ले सकती हैं। एंड इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, फार्मर विल हैव टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू ₹55 to ₹200, मतलब आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करना है, 55 रुपये से 200 रुपये तक का आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस स्कीम में, और उसके बाद आपको बाद में आपको पेंशन की सुविधाएं दी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, पेंशन फंड बनाया जाएगा जहाँ पर वो हेल्प करेगी किसानों की। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया शैल बी द पेंशन फंड मैनेजर, तो इस पूरे पेंशन स्कीम को कौन मैनेज करने वाला है, दैट इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जिसको मैनेज करने वाला है पूरे पेंशन
पे आउट को, एंड इट इज़ इफ़ देर इज़ नो स्पाउस देन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विल बी पेड टू द नॉमिनी. तो नॉमिनी जो भी रहेंगे उनको अमाउंट दे दिया जाएगा किसी ऐसे वर्स कंडीशन में. अ स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज अ फैमिली पेंशन. मतलब जैसे नॉर्मली होता है पेंशन में, जिनको पेंशन मिल रहा होता है जब वो नहीं होते तो उनकी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इस तरीके से इसमें भी वैसे ही सुविधाएं दी जाएंगी पेंशन को लेकर के. तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2 अक्टूबर 2019 से बैन कर दिया जाएगा प्लास्टिक को भारत में, और इवन अभी ही बहुत जगह पर आपको प्लास्टिक नहीं मिल रहा है. तो प्लास्टिक को के यूज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो मुहिम है वो स्टार्ट हो चुका है. प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, सोडा बॉटल्स, इन सभी को फेज़ आउट करना है धीरे धीरे. एंड व्हाई इज़ इट बीइंग बैंड, क्यों बैन किया गया है? क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से हो रहा है. ग्लोबल कंसर्न है आज बहुत बड़ा. प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैव बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ वरी. इस वजह से इसको बैन किया जा रहा है पूरी तरीके से. नाउ क्या क्या इंडिया के एफर्ट्स रहे हैं? इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एक कैंपेन स्टार्ट किया है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर इसको डिक्लेयर किया गया है कि सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक को 2022 तक एलिमिनेट. इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करना पड़ सकता है. जैसे कि जो आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है, अमेंडमेंट रूल है 2018 का, वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स को लेकर के कैसे प्राइसिंग करनी है, क्या करना है, वो एक चैलेंज है. दूसरा ये है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सब प्लास्टिक के ही पैकेजिंग में मिलती हैं. चाहे कोई गुड्स ऑनलाइन डिलीवरी से आपके पास आता हो, कॉस्मेटिक हो, ग्रॉसरीज हो, हर चीज़ को प्लास्टिक के पैकेट्स में ही यूज़ किया जा रहा है. तो उसको अभी अनएड्रेस्ड रखा गया है. उसका कैसे वहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा या दूसरे ऑप्शंस क्या होंगे ये नहीं बताए गए हैं. तो इस सब चीज़ों में अभी प्रॉब्लम आने वाली है. जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है वहाँ पे जो पैकेजिंग की प्रॉब्लम है उसको कैसे कर्व करेंगे वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इंडिया में अभी कहीं ना कहीं एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और दूसरा प्रॉपर ऑप्शन नहीं तलाशा गया है कि अगर प्लास्टिक को नहीं यूज़ किया जाएगा तो उसकी जगह पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है पैकेजिंग वगैरह में, और उसको अडॉप्ट करना भी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं इसमें. कोचिंग के बारे में है, इसमें क्लासरूम प्रोग्राम और पर्सनल गाइडेंस दो तरीके का प्रोग्राम चलता है. अगर आप में से किसी को भी इस प्रोग्राम की आवश्यकता है, आपको बताया गया है कि नया बैच, नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है पर्सनल गाइडेंस में, वो अप्रोच कर सकते हैं गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर. यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड कोच मिलेंगे. 2020 के एग्ज़ाम को टारगेट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी आपकी बनाई जाएगी आपके अकॉर्डिंगली. दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल मेंटरशिप और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम. एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये. जब आप आकर के मिलते हैं या प्रॉपर बात करते हैं तभी आपको पता चल पाता है. डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें प्लीज़.